एवरीवन, वेलकम टू दिल। सो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि हमें इंसर्शन कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। हम फॉर्म बना चुके थे एंड अब हम जो देखने वाले हैं वो हमें क्या करना है, मेन्यू बार ऐड करना है एंड मेन्यू बार के अंदर हमें सर्च फंक्शनलिटी ऐड करना है कि सर्च का बटन बनाया, ठीक है। जैसे अभी हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है, अब हमारा फॉर्म ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ एक मेन्यू बार ऐड करना है, उसके अंदर हम सर्च बनाएंगे। सर्च के अंदर सब मेन्यू रहेंगे कि सर्च बाय नेम, सर्च बाय मोबाइल, ठीक है, एंड एक एग्जिट का बटन रहेगा, ठीक है। तो सर्च बाय नेम करेंगे तो क्या होगा, एक नया विंडो ओपन होना चाहिए, सेम विंडो एक नया ओपन होना चाहिए एंड उसके अंदर क्या रहेगा, एक फिर से एक एंट्री रहेगी कि सर्च करना है, तो सर्च का बटन, ठीक है, सर्च की फिर एक एंट्री रहेगी, आप कुछ भी नेम लिखेंगे एंड सर्च का बटन रहेगा, ठीक है। तो ये हमें एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेन्यू बार ऐड करते हैं, ठीक है। तो एड मेन्यू करके एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, विंडो पास कर देते हैं, ठीक है। तो हमें करना है डिफाइन करना है एड मेन्यू, ठीक है, एड मेन्यू एंड देन विंडो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक मेन मेन्यू रहेगा, ठीक है। तो मेन्यू बार का करके एक फंक्शन बना लेते हैं हम, ठीक है, एंड मेन्यू, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस मेन्यू के अंदर हमें क्या करना है, सब मेन्यू क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सर्च मेन्यू, ठीक है, सर्च इक्वल टू, ये भी एक मेन्यू रहेगा एंड किसके अंदर रहेगा, मेन्यू बार के अंदर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, इस सर्च के अंदर हमें कमांड ऐड करना है, ठीक है। तो सर्च डॉट ऐड कमांड, ठीक है, ऐड कमांड क्या करेगा, लेबल क्या रहेगा उसका, लेबल रहेगा सर्च, सर्च के अंदर हम लिख देंगे बाय नेम, ठीक है, बाय नेम हमें सर्च करना है एंड यहाँ हमें कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है, कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो कमांड में हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, तो लेम्बड़ा लेम्बड़ा फंक्शन की जरूरत नहीं है, हम यहाँ बनाते हैं सर्च बाय नेम एंड विंडो, ठीक है। ये हम क्यों विंडो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जब भी कोई सर्च पे क्लिक करे बाय नेम पे, सर्च बाय नेम पे, तो क्या एक नया विंडो ओपन हो, ठीक है। तो हम एक नया विंडो बनाएंगे, ठीक है। तो उस नए विंडो के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं सर्च बाय नेम विंडो, ठीक है। अब इस विंडो के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें सेम कमांड चाहिए किसके लिए, बाय मोबाइल के लिए, ठीक है। एंड सेम फंक्शन भी चाहिए हमें, ये काम हमारा होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि दोनों जो हमने जो दोनों कमांड ऐड करी है, ठीक है, इनको क्या करना है, तो हमने क्या किया है, हमने ये सर्च की तो सब मेन्यू तो क्रिएट कर लिया है, सब मेन्यू को हमें क्या करना है कि इस मेन्यू बार के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्च डॉट ऐड कॉस्ट नहीं, मेन्यू बार डॉट ऐड कॉस्ट, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या देना है, हमें लेबल देना पड़ेगा, लेबल इक्वल टू हमने क्या दिया है, सर्च, एंड यहाँ पर हमें क्या देना है एक और, ठीक है, कि मेन्यू इक्वल टू, देन हमें क्या करना है कि इस मेन्यू बार को हमें किस कहाँ ऐड करना है, मेन विंडो के अंदर, तो विंडो डॉट कॉन्फिग, ठीक है, मेन्यू इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा मेन्यू बार ऐड होके आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमारे पास एक मेन्यू बार आ रहा है, यहाँ सर्च लिखा हुआ है, ठीक है, आपको व्हाइट कलर थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ सर्च लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करूंगा तो क्या आना चाहिए, दो एक लिस्ट खुलेगी, बाय नेम एंड बाय मोबाइल नंबर, ठीक है।
हमारा मेन्यू बार लगभग तैयार है, उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एग्जिट बटन भी चलना है, ठीक है। तो मेन्यू बार डॉट एड कमांड, ठीक है, और उसका लेबल क्या रहेगा, उसका लेबल रहेगा एग्जिट, एंड उसकी कमांड जो रहेगी वो क्या रहेगी, विंडो डॉट क्विट, ठीक है। विंडो डॉट क्विट एक फंक्शन होता है, यहाँ एग्जिट का बटन दिख रहा है, तो क्लिक करूंगा तो हमारा फॉर्म एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी क्विट कर सकते हैं और यहाँ से भी एग्जिट करेंगे तो भी फॉर्म क्विट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन्यू बार लगभग तैयार है। अब हमें क्या करना है, हमें सर्च फॉर्म, हमें क्या करना है, जब भी कोई इस पर क्लिक करें बाय नेम पर, तो क्या सर्च बाय मेन विंडो एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। जब भी ये सर्च बाय नेम विंडो कॉल होगा तो एक नया विंडो ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो नया विंडो क्या होगा, न्यू विंडो करके एक वेरिएबल आता हूँ, ठीक है न्यू विंडो इक्वल टू, और एक विजेट होता है पाइथन के अंदर, ठीक है, जैसे बटन लेबल वगैरह वैसे टॉप लेवल करके एक विजेट होता है, ठीक है। एंड तो हमें यहाँ पर एक टॉप लेवल के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि इसका एक पेरेंट विंडो कौन है, तो उसके लिए हमें विंडो यहाँ पर चाहिए, ठीक, ये विंडो हमें वहाँ पर चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, एंड यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे विंडो, ठीक है, इसको सेम कंसेप्ट इसके साथ भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम विंडो ले रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब न्यू विंडो बन गया। अब न्यू विंडो के अंदर भी हमें क्या, हमें क्या करना है, न्यू विंडो की भी ज्योमेट्री सेट करना है, ठीक है। न्यू विंडो का भी बैकग्राउंड जो है वो क्या आना चाहिए, ब्लैक आना चाहिए, तो इस बैकग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, वहीं मूव कर देता हूँ, ठीक है। लाइन हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये लाइन को मैं यहीं करता हूँ, जब भी वो ज्योमेट्री सेट करेगा साथ साथ बैकग्राउंड भी सेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमें हर विंडो का क्या चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, ठीक है। तो न्यू विंडो जब आएगा तो उसका भी बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो सेट ज्योमेट्री करके फिर से मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, एंड देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ से न्यू विंडो पास करना है इस बार, ठीक है। इस बार कौन सा पास करना है, न्यू विंडो, ठीक है, सही है। एंड न्यू विंडो का टाइटल क्या है, टाइटल, टाइटल क्या देना हमें, सर्च बाय, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। बाय नेम पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो गया है, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, सर्च बाय नेम, ठीक है। वाइट कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्च बाय नेम, एंड इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है 400 बाय 400 का, ठीक है, इसकी विड्थ हाइट आ रही है, ठीक है। सेम किसके साथ होगा, सेम होगा मोबाइल नंबर के साथ, सर्च बाय मोबाइल हम यहाँ पास कर देते हैं, ये भी एज ए विंडो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इतना सब कुछ ठीक है। अब हम एक्चुअल में क्या करना है कि जब भी ये कॉल हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो, एक लेबल आए, ठीक है, तो सर्च लेबल तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक लेबल होगा जिसके अंदर मास्टर कौन होगा, इसका मास्टर होगा न्यू विंडो, ठीक है। अब इसकी पेरेंट फ्रेम कौन है, न्यू विंडो, एंड टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसका टेक्स्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट होना चाहिए नेम, ठीक है, सर्च बाय नेम कराया था, हमें नेम एज ए इनपुट में चाहिए, ठीक है। एंड फॉन्ट जो है वो हम फॉन्ट प्रीवियस जैसे रख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड हमें क्या चाहिए, सर्च एंट्री, ये फिर से हम क्या करेंगे, एंट्री, एंड एंट्री का पेरेंट क्या होगा, न्यू विंडो। नेक्स्ट हमें फॉन्ट चाहिए एंट्री के भी, तो फॉन्ट तो हम फॉन्ट ही रखेंगे, ठीक है, जो हमारा डिफाइंड है। एंड विड्थ जो है वो हम विड्थ ही रखेंगे, ठीक है, विड्थ इस बार सेट नहीं करते हैं, ठीक है, जितना आ रहा है उतना सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बस ठीक है, हमें एक बटन चाहिए फिर से, तो सर्च बटन करके एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, इसके अंदर हमें यह देना है, बटन देना है, बटन के अंदर भी हमें मास्टर बताना है, तो क्या होगा, न्यू विंडो, ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कमांड होगी, ठीक है, एंड टेक्स्ट भी रहेगा एक सर्च, ठीक है। कमांड हम क्या करेंगे, ठीक है, कमांड हमें देना है तो हमें यहाँ से डेटा पास करना है, ठीक है, एंड हमें फंक्शन भी चाहिए, तो सेम जो हमने इंसर्ट के साथ किया था, इंसर्ट फंक्शन के साथ, ठीक है, यह किया था हमने इंसर्ट फंक्शन के साथ कि जब भी हमने इंसर्ट किया था तो इंसर्ट को हमने एक लैम्डा फंक्शन बनाया था, इंसर्ट टू डीबी एक बनाया था, ठीक है, फंक्शन, तो सेम हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लैम्डा फंक्शन लिखते हैं एंड ठीक है, सर्च नेम टू डी बी फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हमें यह करना है, जिसके अंदर हमें एक क्या करना है, सर्च एंट्री डॉट गेट जो वैल्यू आई वो पास करनी है, ठीक है, वो अदर डेटा हमारा, ये फंक्शन अभी बना नहीं है तो ये फंक्शन बना लेते हैं हम, ये बना लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट के पास में डिफाइन, इसके अंदर डेटा आ रहा है एंड ठीक है, अभी पास, और इन तीनों को हमें क्या करना है, इन तीनों को हमें विंडो पे दिखाना है, ठीक है, तो सर्च लेबल डॉट ग्रिड क्या होगी इसकी, रो इक्वल टू जीरो एंड कॉलम इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसका कॉलम क्या होगा, वन होगा, सर्च क्या एंट्री, ठीक है, एंड सर्च बटन का क्या होगा, सर्च बटन डॉट ग्रिड रो इक्वल टू टू एंड कॉलम इक्वल टू वन एंड रो इक्वल टू वन, ठीक है, सर्च बटन बन गया, ठीक है, मेरे ख्याल से हमें अच्छे से दिखना चाहिए फॉर्म, ठीक है, तो सर्च बाय नेम, नेम आ रहा है, एक एंट्री आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर से वे कंजेस्टेड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें इसका फिर से रो कॉन्फिगर कर लेते हैं, ठीक है, न्यू विंडो डॉक्टर रो कॉन्फिगर, रो कितनी रहेगी 0.1 एंड पेडिंग कितनी रहेगी 15 दे लेते हैं, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट विड्थ है, हाइट है, वो विड्थ में 700 कर देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से दिखे, एंड इसका हमें कॉलम कॉन्फिगर भी करना है, कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2 हैं एंड पेडिंग 15, ठीक है, तो अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, नेम दिख रहा है, नेम की एंट्री एंड सर्च, ठीक, 700 ज़्यादा हो गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है 500 चाहिए, ठीक, नेम, नेम की एंट्री एंड सर्च, ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सर्च टू डीबी फंक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है, सेम काम हमें मोबाइल नंबर के साथ भी करना है, तो मैं इतना वापस लिखने की बजाय कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सर्च मोबाइल टू डीबी, ठीक है, एंड ये फंक्शन हमें क्या करना है, सर्च मोबाइल टू डीबी भी हमें बनाना पड़ेगा, सर्च मोबाइल टू डीबी, तो सर्च जब बाय मोबाइल करेंगे तो भी हम फॉर्म ओपन होगा, एंड सर्च बाय मोबाइल पे क्लिक करा, सर्च बाय मोबाइल आना चाहिए, यहाँ नेम लिखा होना चाहिए, क्या लिखावाना चाहिए, मोबाइल लिखावाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, सब कुछ सही है, मोबाइल के लिए जब करेंगे तो मोबाइल वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, एंड नेम के लिए जब सर्च करेंगे तो नेम वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है, और मेरे कहना हमें दोनों फंक्शन कंप्लीट करने हैं, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों करेंगे डेटाबेस से, डेटाबेस फंक्शन को कॉल, ठीक है, तो इंसर्ट के अलावा हमें और भी फंक्शन चाहिए, क्या चाहिए, सर्च बाय मोबाइल एंड सर्च बाय नेम, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है, सर्च बाय नेम एंड डेटा हमें पास करना है, ठीक है, अगर यदि ये डेटा सक्सेसफुली आ जाता है,
करना है, हमें क्या करना है, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो शो एरर, ठीक है। क्या एरर आई है, फेल्ड टू सर्च डेटा, ठीक है। सेम हमें इसके साथ भी करना है, एंड सर्च बाय नेम की जगह क्या लिखना है हमें, सर्च बाय मोबाइल, ठीक है। देखिएगा कैसे हमें कैसे पता लगा हमें सक्सेस हुआ है नहीं, तो हम यहाँ एक मैसेज बॉक्स शो करवा लेते हैं, ठीक है। शो इन्फो एंड सक्सेस, मैसेज भी सक्सेस, ठीक है। एक्चुअल में हमें यहाँ डेटा दिखाना है, लेकिन अभी ये के लिए क्या हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करने के लिए हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे सक्सेस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमने सर्च किया सर्च बाय नेम एंड हमने ZELZIL सर्च किया, ठीक है, हमारे पास मैसेज आया सक्सेस, ठीक है। हमारे पास क्या मैसेज आया, सक्सेस मैसेज आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कि मैं सक्सेस मैसेज दिखाने की बजाय हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम डेटा दिखाएं, ठीक है, जो डेटा हमारे पास आ रहा है। तो डेटा जब भी आएगा वो कहाँ रहेगा, इन रोज के अंदर रहेगा, ठीक है, सीधी बात है, इन रोज के अंदर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं यहाँ से रोज, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी डेटा आ रहा है हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ से रिटर्न, ठीक है। जो भी वो सर्च करके लाएगा वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो सर्च बाय नेम क्या करेगा, जितनी भी रोज वो फेच करके लाया होगा सारी रोज हमें क्या रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ रोज नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सारा डेटा दिखाना है, तो दिखाने के लिए हमें एक अलग फॉर्म, अलग हमें क्या चाहिए, एक विंडो चाहिए। विंडो में हम क्या करेंगे, नेम और मोबाइल नंबर दिखाएंगे। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन, डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, डिस्प्ले डेटा। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें चाहिए तो पेरेंट विंडो एंड देन हमें जो रोज हमारे पास आ रही है वो हमें पास करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन डिस्प्ले डेटा, ठीक है, जिसके अंदर विंडो रहेगा एंड सेकंड क्या रहेगा, रोज रहेगी, ठीक है, क्या रहेगा, सेम हमें किसके साथ करना है, हमें मोबाइल नंबर के साथ भी करना है, ठीक है। देन ठीक है, रोज जो है यहाँ भी हमारे पास आएगी। अब विंडो हमें यहाँ चाहिए हैं, तो ठीक है, हम विंडो पास करते हैं, यहाँ विंडो भी चाहिए होगा एंड यहाँ भी हमें विंडो चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें विंडो पास करना पड़ेगा सर्च टू मोबाइल डीबी, ठीक है, तो यहाँ हम विंडो पास भी कर देते हैं, ठीक है, सर्च नेम टू एंड सर्च मोबाइल टू डीबी, ठीक है, हमने विंडो पास कर दिया, ठीक है। ये सब पास बाय रेफरेंस चल रहा है, ठीक है, विंडो जो है वो ऑब्जेक्ट है तो पास बाय रेफरेंस, ठीक है। अब डिस्प्ले डेटा जो फंक्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, बाकी जो भी हमारा सर्च फंक्शन फंक्शनलिटी हमने कंप्लीट कर ली, हमारे पास जो है डेटा आ रहा है, ठीक है, हमारे पास सक्सेस मैसेज आया था, कोई एरर मैसेज नहीं आया था, तो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है डिस्प्ले, जो हमें जो भी हमारे पास डेटा फेच हो गया है वो हमें डिस्प्ले करवाना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्प्ले करवाएंगे, फॉर्म नया फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर हम डेटा डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर के बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी की जो फंक्शनलिटी आप कुछ, आपको वैलिडेशन लगाना है या कुछ लगाना है तो आप ट्राई करिएगा, ठीक, थैंक यू।